मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप 20 में आऊंगी। हर एस्पिरेंट की तरह यही आशा थी कि बस लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। तैयारियां की गई आप लोग, कितना चैलेंजेस था ये? हाँ, एक्चुअली ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और मैं तैयारी 2021 से कर रही हूँ, तो अभी 3 साल हो चुके हैं। और चैलेंजिंग रहा है ऑफ कोर्स ये पाथ, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, सोशल लाइफ पे बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। अच्छा, जब तैयारी कर रही थी तो क्या ये लग रहा था कि टॉप 20 में इस तरह से रैंक आ जाएगा? एक्चुअली मैं जब तैयारी कर रही थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं चला कि मुझे इतनी ही रैंक चाहिए या इतनी रैंक पानी है। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ हार्डवर्क कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और लक ऊपर वाले का हाथ में होता है। तो टॉप 20 कभी माइंड में नहीं था, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया। पढ़ाई के दौरान किस किस ने सपोर्ट रहा, कैसा कितना समय? पढ़ाई के दौरान मुझे काफ़ी तरफ से सपोर्ट मिला। मेरे दो स्टडी ग्रुप्स भी थे मेरे फ्रेंड्स के साथ ही जो एस्पिरेंट्स रहे हैं, तो उसमें मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला सीनियर एस्पिरेंट्स से भी। इसके अलावा मेरी मदर ने इस जर्नी में मेरी काफ़ी सपोर्ट करी। किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं था करियर में कि इतने साल में निकाल लेना है पेपर, या कोई फाइनेंशियल इशूज़ बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे नहीं हुए। तो फ्रेंड्स और फैमिली का ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। अच्छा, अब जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या पैटर्न रहेगा पढ़ाई का, किस तरह पढ़ाई आपने की, उनको क्या कहेंगे? तो 2023 अटेम्प्ट का जो पैटर्न था पेपर का, वो थोड़ा डिफरेंट था और इस वजह से सब काफ़ी डर भी गए थे प्रीलिम्स को लेकर के। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर हम स्टैटिक नॉलेज हमारी अच्छी है और जो बेसिक सोर्सेज हैं वो हमने अच्छे से कवर किए हैं और करंट अफेयर्स भी हमने मोर और लेस किया है, तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है इस पेपर को निकालना। अब आगे किस तरह देख रही हैं आप, आगे क्या आगे आई लुक फॉरवर्ड टू द ट्रेनिंग कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आगे के चैलेंजेस जो जॉब में आएंगे उसके लिए तैयार करेंगे, और मुझे डाइवर्स लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा कोचिंग कोर्स के दौरान। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दोस्तों से भी कॉल आ रहे हैं, दोस्त किस तरह के? सब काफ़ी खुश हैं। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द फैमिली, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आई एम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट, फर्स्ट वन टू अपियर फॉर द एग्जाम एंड बीइंग एबल टू मेक इट। और दोस्तों का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जब कभी लगता था कि नहीं क्लियर होगा तो कहते थे कि हमें तुम्हारे ऊपर बिलीफ है, तो उनका भी काफ़ी, वो भी काफ़ी खुश हैं इस सफलता से। मैम, आप आज आपकी बेटी ने बीएससी क्लियर किया, 18वीं रैंक आई है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है मुझे, लेकिन मेरी बेटी ने उसके लिए बहुत मेहनत भी करी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने बहुत मेहनत करी लेकिन उसमें उसका नहीं हो पाया, लेकिन ये बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। इसने सेकेंड अटेम्प्ट बड़े उम्मीद के साथ किया कि इस बार मैं बिल्कुल निकाल लूंगी, और इस बार उसने मेहनत करी और उसको उसका रिजल्ट मिला, अच्छा रिजल्ट मिला। क्या कहेंगे, कितने घंटे की पढ़ाई करती थी आपने? मेरी बेटी बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करती थी, बस 8-9 घंटे ऑन एन एवरेज रोज पढ़ाई करती थी। परिवार में कैसा माहौल है आज? बहुत खुश हैं सब लोग, बहुत खुशी की बात है, सब परिवार में बच्ची ने इतनी कामयाबी हासिल करी है, बहुत खुश हैं सब लोग। जब पढ़ाई कर रही थी तब ऐसा लगता था कि तो 20 में आ जाएगी, 18वीं रैंक आ जाएगी? नहीं, 18वीं रैंक की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ये था कि इस बार कर ले जाएगी, इस बार उसका लिस्ट में नाम आ जाएगा। और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी माँ बाप से क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि बच्चों को सपोर्ट करें और उनको उनपे बिल्कुल विश्वास रखें कि उनका बच्चा करके